रीवा जिले में शराब समूह के टेंडर में फायदा तलाश रही सरकार को उन्हीं के कर्मचारियों की वजह से झटका लग गया है। अब अंतिम दिन 30 फीसदी बिलों तक टेंडर स्वीकार करने की छूट दे दी गई है। अब ऐसे में ठेकेदारों को वर्तमान चल रही शराब दुकानों की दरों से 18 फीसदी कम दर पर दुकानें अलॉट होंगी। इससे शासन को करोड़ों रुपए की रॉयल्टी का नुकसान उठाना पड़ेगा, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत रही है। रीवा में शराब दुकानों के वार्षिक मूल्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15 फीसदी राशि का इजाफा किया गया था। आबकारी विभाग की मठाधीशों को वजह से ठेकेदार लामबंद हुए तो शराब समूहों का नवीनीकरण ही नहीं हुआ, लॉटरी में भी किसी ने हिस्सा नहीं लिया। जिला आबकारी अधिकारियों ने ठेकेदारों से साठगांठ की, उन्हें ई टेंडर में भी शामिल होने से रोका गया। इसके कारण शासन को कदम दर कदम पीछे खींचना पड़ा। अंत समय में अब हालात यह है कि किसी भी कीमत पर समूहों को देने के लिए सरकार तैयार है। यही वजह है 31 मार्च को बुलाए गए ई टेंडर के लिए वार्षिक मूल्य में 30 फीसदी तक की छूट दे दी गई है। यह छूट इस वर्ष की वार्षिक मूल्य से भी 18 फीसदी कम ही है। ऐसे में फायदा तलाश रही सरकार को 18 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ेगा। वही ठेकेदार मालामाल हो जाएंगे, उन्हें शराब खरीदने में ड्यूटी का फायदा मिलेगा लेकिन मनमानी दाम पर बेच जरूर सकेंगे। हम आपको बता दें कि आज रीवा और मऊगंज जिला की 12 शराब समूह दुकानें उठने के लिए शेष रह गई हैं। इन शराब समूहों के लिए ई टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 मार्च को शाम 4 बजे तक ई टेंडर ठेकेदार भर सकेंगे, इसके बाद ई टेंडर खोले जाएंगे। दोनों जिलों की 12 शराब समूहों के लिए ठेकेदार अभी नहीं मिल पाए हैं। अब 30 फीसदी बिलों तक रेट स्वीकार किए जाने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में शेष रह गई शराब समूहों के लिए लूट मचनी तय है। हालांकि इस पूरी टेंडर प्रक्रिया में उन ठेकेदारों को घाटा जरूर उठाना पड़ेगा जिन्होंने अधिक दरों पर शराब समूहों का ठेका ले लिया है।